यूं तो माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए हजारों लाखों भक्त हर साल बस, ट्रेन और हवाई यान का सफर तय करके माता के दरबार पहुंचते हैं, जिसकी वजह से जम्मू के कटरा क्षेत्र में लगातार भक्तों और यात्रियों की सुविधाजनक यात्रा के लिए सरकार की ओर से तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। तो वहीं इस बीच माँ वैष्णो देवी के यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दरअसल वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान अब भैरव घाटी तक जाने के लिए रोपवे सुविधा की ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी गई है। पहले ये सुविधा काउंटर से पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्राप्त होती थी, तो वहीं अब रोपवे के टिकट ऑनलाइन पोर्टल के जरिए मिल जाएंगे। शुरू में 2000 यात्रियों की ऑनलाइन बुकिंग होगी, बाद में ये संख्या बढ़ाई जाएगी। आपको बता दें कि भवन से पैसेंजर रोपवे की प्रति घंटा 800 लोगों को ले जाने और ले आने की क्षमता है। ये 8 से 10 घंटे तक संचालित होता है। इस सुविधा से न केवल यात्रियों को सहूलियत होगी, बल्कि माँ वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के खर्च में भी कमी आएगी। इस दौरान विकास कार्यों जैसे नए वैष्णवी भवन, ककरियाल में मेडिकल कॉलेज, ताराकोट से सांझी छत तक पैसेंजर रोपवे सुविधा, सांझी छत से सांझी छत तक ट्रैक को चौड़ा करने और भैरव घाटी में नए लंगर सुविधा की प्रगति के बारे में माता वैष्णो देवी श्राइन के सीईओ अंशुल गर्ग ने जानकारी दी। देखिए, बोर्ड का जो आप समझते हैं कि निरंतर जो यात्री सुविधाओं को विस्तार करने में निरंतर कोशिश करता रहता है। हाल ही में जो है स्काईवॉक का उद्घाटन हुआ था भवन पर, जिससे भीड़ नियंत्रण में हमें काफ़ी मदद मिली, और आने वाले 31 दिसंबर को भी हम उम्मीद करते हैं कि जो भीड़ का जो संख्या है श्रद्धालुओं की वो बढ़ती है, तो उस दौरान भी हमारे जो ये यात्री मैनेजमेंट मेजर्स हैं वो हमारे लिए काफ़ी मददगार साबित होते हैं। उसके अलावा बोर्ड के तरफ से जो भवन पर एक नया न्यू वैष्णवी भवन, जिसको नाम दिया गया, एक नई बिल्डिंग का जो है निर्माण कार्य, उसको भी जो है शुरुआत उसकी भी कर दी गई है बोर्ड की मंजूरी से, और दुर्गा भवन की तर्ज पर ऐसे ही नए कमरे और जो डॉर्मिटरीज हैं यात्रियों के लिए अवेलेबल रहेंगी, और तकरीबन 300 श्रद्धालु और भवन पर रुक पाएंगे जब ये बिल्डिंग कंप्लीट होगी, और एक नए भोजनालय भी इसके टेरेस पे यात्रियों के लिए अवेलेबल होगा। बता दें कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस सुविधा का शुभारंभ किया, साथ ही श्राइन बोर्ड के पंचांग 2024 और डायरी का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम में श्राइन बोर्ड के सदस्य डॉक्टर अशोक भान, डॉक्टर नीलम सरीन, सुरेश कुमार शर्मा, रघु के मेहता, पद्मश्री प्रोफेसर विश्वमूर्ति शास्त्री, उपराज्यपाल के प्रमुख सचिव डॉक्टर मनदीप भंडारी और अन्य लोग मौजूद रहे। बहरहाल माँ वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड अब अपनी नई सुविधा के साथ यात्रियों और श्रद्धालुओं की स्वागत के लिए तैयार है। इसी के साथ इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।